स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल OCC बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे BSc सेकेंड ईयर के फिजिक्स के सेकेंड पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 12 में बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को पढ़ेंगे हम लोग इसमें, और पूरा गैल्वेनोमीटर को अच्छे तरीके से हम लोग आज खत्म करेंगे। इसमें देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक चीज नोट कर लीजिए इसमें कि जब भी गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन आएंगे तो लॉन्ग में आएंगे, यानी कि ये वीडियो आपको ढेर सारा नंबर प्रोवाइड करने वाला है, इसलिए इत्मीनान से अच्छे तरीके से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे बोलेगा गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, आपको उसका कंस्ट्रक्शन यानी कि उसका फिगर बनाना है। इसके साथ साथ उसकी वर्किंग को आपको लिखना है कि वो वर्क कैसे करता है, और इसके साथ साथ आपको बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की मतलब ये तो है ही, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के बारे में ही दो काम आपको करना है, एक तो कंस्ट्रक्शन और एक आपका वर्किंग। ठीक है, तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दो चीज आपसे पूछता है, और ये लॉन्ग में पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा, इसलिए आपके लिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप देखेंगे 2014 में पूछा भी गया है, और भी आप ढेर सारे ईयर्स में पूछा गया, आप लोग जाकर के देखिएगा। हम बस एक दो ईयर का जो हमको मिल जाता है वो हम लिख देते हैं, बाकी आप लोग खुद से रिसर्च करिएगा कि कितने ईयर्स में पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, हम सीधे सीधे आते हैं इस पे, देख लेते हैं इसका आंसर आप लोगों को क्या लिखना होगा, किस तरीके से लिखना होगा। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन दे दीजिएगा कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में होता क्या है, एक दो लाइन में तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो मूविंग क्वायल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मूविंग क्वायल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, क्योंकि जो आपसे पूछा गया है वो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर पूछा गया और मूविंग वाला पूछा गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो बैलिस्टिक क्या होता है और मूविंग क्वायल क्या होता है और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये सारे टर्म्स को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मूविंग क्वायल का मतलब है कि ये जो गैल्वेनोमीटर होगा इस में दो क्वायल होंगे जो मूव करेंगे, मूव का मतलब ऐसे ऐसे घूमेंगे, ठीक है, गोल गोल ऐसे घूमेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें क्वायल्स घूमते हैं इसलिए यहाँ पे लिखा गया मूविंग क्वायल। बैलिस्टिक इसलिए क्योंकि बैलिस्टिक आप लोग नाम सुनेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल का नाम आप लोग सुनेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत क्या होती है, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर दागना है, यहाँ पर आपको विस्फोट करना है और यहाँ पर आप हैं, यहाँ से अगर आप लोग बैलिस्टिक मिसाइल को दागेंगे तो आप लोग जब दागेंगे तो आप देखेंगे सीधे आकर के यहीं गिरेगी, ना ही यहाँ ना ही यहाँ ना ही वहां, मतलब कहीं नहीं, आसपास दाएं बाएं कहीं नहीं, सीधे अपने टारगेट पर, सीधे अपने टारगेट पर ही आकर के वार करती है, यानी कि डायरेक्शन, डायरेक्शन उसमें मजबूत होता है, उसमें डायरेक्शन वाला जो यंत्र लगा होता है आप बोल सकते हैं, डिवाइस लगी होती है डायरेक्शन वाली जो उस मिसाइल को डायरेक्ट करती है, उस मिसाइल को डायरेक्शन बताती है कि तुम्हें इधर नहीं यहां जाना है, मतलब उसमें डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है और वही उसी डायरेक्शन पर जाकर के वो गिरती है और उसी डायरेक्शन पर जाकर के वो मार करती है, ठीक है, अटैक करती है। तो सेम उसी तरीके से इसमें भी बैलिस्टिक का मतलब क्या हो गया कि जिसमें डायरेक्शन बताने वाली कोई डिवाइस लगा दी जाए या फिर जिसमें डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स कर दिया जाए, मतलब उसका डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स है वहीं पर जाकर के अटैक होगा, तो उसको जनरली बोलते हैं बैलिस्टिक। और गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है, आप जानते हैं लास्ट में लगा है मीटर, तो जैसी बात है कोई एक ऐसी डिवाइस होगी जो किसी न किसी चीज को मेजर करने का काम करती होगी, किसको मेजर करने का काम करती है इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। अब बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर, ठीक है, एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज करते हैं मेजर करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए, द टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और किसका टोटल चार्ज, दैट पासेस थ्रू इट, जो इस गैल्वेनोमीटर से पास होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर से पास होने वाले करंट को मेजर कर लेती है और मेजर करके सीधे सीधे बता देती है। दूसरे शब्दों में कहें, अदर वर्ड्स में अगर हम लोग बोलें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को मेजर करती है, लेकिन एक लिमिटेशन इसके लिए है कि गैल्वेनोमीटर हमेशा डायरेक्ट यानी कि डीसी करंट के लिए ही यूज किया जाता है, एसी करंट के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज नहीं किया जाता। तो ये वाला पॉइंट इसमें ऐसे हम लिखे नहीं है, आप लोग चाहें तो इसमें उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इन अ गिवन टाइम नॉट एज द स्टेडी करंट, याद रखिएगा, इन अ गिवन टाइम नॉट एज स्टेडी करंट बट एज अ सडन डिस्चार्ज, और ये किसको मेजर करने का काम करता है, अगर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में से स्टेडी का मतलब होता है बिल्कुल स्थिर, जो लगातार चलता रहे, मान लीजिए 10 वोल्ट का करंट आप लोग इसमें दे रहे हैं तो इसमें एक करंट मान लीजिए इसे चल रहा है 10 बिल्कुल चल रहा है, तो उसको ये मेजर नहीं करता है। अचानक से सडन डिस्चार्ज का मतलब अचानक से जब आप करंट हटाएंगे तो लास्ट में कितना करंट इससे मूव किया है उस करंट को ये बताने का काम करता है, उसको बोलते हैं मूविंग क्वायल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, जो अचानक से घटे हुए या बढ़े हुए करंट को मेजर करके बता दे उसको बोलते हैं जनरली आप यहां बोलेंगे गैल्वेनोमीटर।
क्लियर है। अब बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होने के लिए इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखिए ये सारी चीजें इस आंसर में आराम से आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी इसका कंस्ट्रक्शन बताना है तो कंस्ट्रक्शन में ये आपका काम दे देगा। जो ये हेडिंग आगे हम आपको बताने जा रहे हैं ये दूसरी हेडिंग, और जो वर्किंग है वर्किंग के लिए आप फिगर बनाइएगा, फिगर हम आपको बनवा दे रहे हैं वर्किंग के लिए। थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो, वैसे इतना लंबा आंसर खुद ही हो जा रहा है इसका, तो आप लोग चाहें कहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि आंसर कम है तो आप लोग अभी जो हम फिगर आपको दिखाएंगे उस फिगर को थोड़ा बहुत अपने शब्दों में आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आराम से आपकी वर्किंग में काम दे देगा, ठीक है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं कंडीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू बी अ बैलिस्टिक, बैलिस्टिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए गैल्वेनोमीटर की, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर शुड हैव फॉलोइंग फीचर्स, फीचर्स लिख लीजिएगा, उसके पास कुछ अपने फीचर्स होते हैं, वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, तो नंबर फर्स्ट आपका द मूविंग सिस्टम शुड नॉट मूव, ठीक है, द मूविंग सिस्टम शुड नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन टू रेस्ट ड्यूरिंग द टाइम द डिस्चार्ज पासिस थ्रू इट। कहने का सेंस क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि द मूविंग सिस्टम यानी कि उसमें जो मूविंग क्वायल लगा हुआ है वो मूव नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जो मूविंग सिस्टम लगा हुआ है उसमें जो मूविंग क्वायल लगा हुआ है वो मूव नहीं करना चाहिए। कब, कहां से कहां तक पहले देख लेते हैं, फ्रॉम इट्स पोजीशन टू द रेस्ट, मतलब वो अपनी पोजीशन में अगर मूव कर रहा है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहिए। किस टाइम, द टाइम द डिस्चार्ज पासेस थ्रू इट, उस टाइम नहीं रेस्ट में होना चाहिए जिस टाइम डिस्चार्ज उस मूविंग क्वायल से पास कर रहा हो। एक बार फिर से सुनिएगा, जिस टाइम डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे उम्मीद करते हैं, नहीं समझ रहे हैं तो उसको प्लीज आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग अपने खोजिएगा डिस्चार्ज किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जिस टाइम मूविंग क्वायल से डिस्चार्ज जा रहा हो, उसे पास कर रहा हो, उस टाइम वो मूविंग क्वायल मूव कर रहा होना चाहिए, रेस्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें पहली कंडीशन होती है, किसके लिए, किसको, क्या होने के लिए, बैलिस्टिक होने के लिए, ठीक है। बैलिस्टिक का मतलब है डायरेक्टेड होने के लिए, जो बिल्कुल अपने डायरेक्शन पर काम करे। नंबर टू, इसका इसकी क्या कंडीशन है, नंबर टू को देखते हैं। तो नंबर टू में कंडीशंस फॉर अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज टू बी अ डेड बीट, दूसरी कंडीशन ये है कि यह डेड बीट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, द थर्ड कंडीशन, द पीरियड ऑसिलेशन ऑफ क्वायल शुड बी स्मॉल, उसका जो पीरियड ऑसिलेशन होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए ऑसिलेट करे। नंबर चार की अगर हम लोग बात करें तो नंबर चार में द डैम्पिंग इज केप्ट लार्ज, उसमें जो डैम्पिंग होगी वो लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। केप्ट लार्ज का मतलब है लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चार इसकी कंडीशन जो आपको इसमें कंस्ट्रक्शन में आराम से आपको काम दे देगा। बाकी वर्किंग में अगर हम लोग बात करें तो वर्किंग में आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, जैसे देखिए वर्किंग के लिए आप लोग यहाँ पे फिगर बनाइएगा, ये देखिए फिगर आपका, सॉरी कंस्ट्रक्शन में काम देगा या आपको वर्किंग में काम देगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोग यहाँ पे फिगर बनाइएगा, ये आपका पूरा फिगर, फिगर में क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। इधर से देखिए ये जो लगा हुआ है ये आपका अपर सस्पेंशन जिसको बोलेंगे, और यहाँ पर जो लगा हुआ है उसको लोअर सस्पेंशन बोलेंगे, क्लियर है। यहाँ पर जो आपका है वो आयरन का कोर, आयरन कोर लगा हुआ है, आयरन का कोर यहाँ पे, और यहाँ पर आयरन का क्वायल लगा हुआ है, या आयरन का क्वायल यहाँ पे भी बोल सकते हैं, आयरन का क्वायल यहाँ पे भी, आयरन का क्वायल यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है। ये भी आपका मूविंग क्वायल है, ये जो आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी आपका मूविंग क्वायल है, और यहाँ पर जो आपका सर्कुलर दिख रहा है ये भी आपका मूविंग क्वायल है, ठीक है। यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है, ये भी आप देख रहे हैं मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी साउथ और नॉर्थ, ये आपका परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी साउथ और नॉर्थ आपका परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आप फिगर याद कर लेंगे थोड़ा सा, देखिए मूव क्या करता है, तो मूव ये करता है, ये जो है आपका, ये जो यहाँ से दिख रहा है आपको ये रेक्टेंगुलर ये एरिया, यही वाला यहाँ से आप देखेंगे ऐसे 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 करके मूव करता है, तो ये आपका होता है मूविंग कॉयल, इसको मूविंग कॉयल बोलते हैं। इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो एरिया है, जो बाहर का ये जो एरिया है, ये इसके थ्रू, ये जो यहाँ पे जो आयरन का कोर दिख रहा है ना, इसी के अराउंड में ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। तो क्योंकि ये दोनों मूव करते हैं इसलिए इसका नाम रखा गया है मूविंग बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसका नाम रखा गया है। अगर आपको ये आंसर थोड़ा सा अगर छोटा लग रहा हो तो इसी फिगर को आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिएगा अपने वर्ड्स में, आराम से आपका ये जो आंसर है थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आगे भी इस पर और वीडियो बना देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।